हत्या, आतंक और लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने वाली संगठन है। जातिवाद फैला करके, धर्मवाद फैला करके और जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़े हैं, उन सब के बीच एक तरह से मनोबल घटाने वाली उनकी भाषा और वक्ता रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल पार्टी का एक राजनीतिक संगठन है और RSS संगठन का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हत्या, आतंक और लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने वाली संगठन है। जातिवाद फैला करके, धर्मवाद फैला करके और जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़े हैं, उन सब के बीच एक तरह से मनोबल घटाने वाली उनकी भाषा और वक्ता रहती है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सम्राट चौधरी की इस तरह की बात करने का, क्योंकि जिस दल में है उस दल का यही संस्कार है, तो अपने संस्कार के अनुरूप बोल रहे हैं। क्योंकि RSS ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इसी तरह की भाषा का उपयोग किया था, गांधी के बारे में उनका यही शब्द था। तो अगर नीतीश कुमार जी के बारे में, जिसे पूरा देश उनके अनुभव को, उनके कामों को लोग स्वीकार कर रहा है और सम्मान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का द्वारा उनको अपमानित करना, ये उनका संस्कृति रहा है, उनका संस्कार है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका यही संस्कार है कि किसी तरह ये केन प्रकेन, या तो उनका चरित्र हत्या कर दो, चारित्रिक हत्या में वो अगर फेल हो जाए तो उनकी शारीरिक हत्या कर दो, ये सब के वो पारंगत हैं। इसलिए जो भी कुछ वो बोल रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके पूर्वज ने भी इसी तरह की